हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पर हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं पेशेंट्स कि सर मेरा छाछ चिकित्सा चल रही है और सर मेरे को मवाद बहुत आता है, सर क्या मेरे को दूध पीना चाहिए या दूध के बने पदार्थ मेरे को खाने चाहिए। तो आज इसी टॉपिक को लेके, टॉपिक है छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है जो पेशेंट्स के दिमाग में रेगुलर बनती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फिस्टुला का या क्रोनिक फिशर का क्षार सूत्र चल रहा है या फिर पीएनएस का किसी भी तरह के प्रोसीजर के अंदर अगर आपका क्षार सूत्र कंटिन्यू है, आप अंडर ट्रीटमेंट हो क्षार सूत्र के, तो दूध, दूध से बने पदार्थ खूब आप दूध पी सकते हो। दूध से बने पदार्थ किसी भी तरह के आप खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, मिठाई खा सकते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। जो पेशेंट्स के दिमाग में क्वेरी होती है कि सर पस ज्यादा निकलता है, तो ये तो एक ब्यूटी है क्षार सूत्र की, पस निकलना। क्षार सूत्र का जो मेन वर्क है वो होता है कटिंग करना, क्यूरेटेज करना एंड हीलिंग करना। कटिंग, क्यूरेटेज एंड हीलिंग, कटिंग भी करता है, जो गंदा पार्ट है उसको खुरच खुरच के बाहर भी लेके आएगा और साथ में उसको पस के रूप में निकालेगा और साथ के साथ जो बैक पोर्शन है उसको स्लोली स्लोली हील भी करता है। तो पस निकलने का मतलब किसी भी तरह के दूध को पीने या नहीं पीने से नहीं है। इसलिए ब्लाइंडली फेथ करो, आंख बंद करो, खूब दूध पियो, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।